धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में साइट पूजा शुरू होने वाली है और साइट पूजा कंप्लीट होने के बाद इकोनोमाइजर रिप्लेसमेंट का काम स्टार्ट होगा। पूजा स्टार्ट हो चुकी है। गाइज, इस वक्त शाम के 3 बज रहे हैं और मैं लंच करके साइट पर आ चुका हूँ। ये देखो आप सामने की तरफ, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो और ये जो आप ड्रेसिंग देख रहे हो वो उस लोकेशन पर रखी हुई थी, जो फाइनली उसे शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने आपको लंच से पहले दिखाया था, यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन वर्क चल रहा था। वो जो ओपन एरिया था उसे क्लोज किया जा रहा था, जो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि अब 100% जो प्रिपरेशन वर्क था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में पूजा होने वाली है, जिसे हम लोग साइट पूजा बोलते हैं। वो साइट पूजा किस तरह से होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर उधर जो भी सामान बिखरा पड़ा था वो सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। ये देख लो आप वीडियो में, सारी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ये ब्रेसिंग, वो बॉक्स, ये चैन ब्लॉक, वो सीलिंग, ये सारी चीज़ों को एक तरफ रख दिया गया है। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में साइट पूजा शुरू होने वाली है और साइट पूजा कंप्लीट होने के बाद इकोनोमाइजर रिप्लेसमेंट का काम स्टार्ट होगा, जो सब कुछ आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। गाइज, मैं बार बार आपको इकोनोमाइजर कॉयल बोल रहा हूँ, तो आप कॉयल का नाम सुन के कन्फ्यूज मत होना, बिकॉज इलेक्ट्रिकल मशीन में भी कॉयल होता है, पर ये जो कॉयल है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कॉयल है। वो किस तरह का होता है आप सिर्फ एक झलक देख लो, उसके बाद मैं आगे सारी डिटेल बताऊंगा। ये देखो, ये है इकोनोमाइजर कॉयल। अब ये कैसे बाहर आया वो सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। अब इसे सिर्फ थोड़ा सा बाहर करके छोड़ा गया है, पहले साइट पूजा कंप्लीट होगी उसके बाद फिर इसे पूरी तरीके से बाहर निकाला जाएगा। और इस तरह से बाकी की जो कॉयल हैं वो भी निकाली जाएंगी। वो सब कुछ कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। पूजा स्टार्ट हो चुकी है।
गाइस फाइनली यहाँ पर साइट पूजा कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हो आप, यहाँ पे सारे जो बंदे थे वो सब अपनी अपनी जगह पे चले गए।